वेलकम टू ब्राइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो जो भी छात्र हमारे असम के क्लास 12 में हैं, जो मैट्रिक पास करके अभी क्लास 11 पास करके 12 में गए हैं, उन छात्रों से कहना है कि मैं 2016 का क्वेश्चन पेपर लाया हूं, प्रीवियस पेपर आप देख रहे हैं जो 2016 का इंग्लिश का पेपर है। पास मार्क 30 चाहिए, आपका 3 आवर्स का एग्ज़ाम है, तो आपको प्रीवियस पेपर करना बहुत ज़रूरी है। अब इसे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका पेपर किस कैटेगरी का रहता है। तो देखिए, मतलब क्या हुआ, जब पहले आपका क्लास 12 में कोई भी स्टूडेंट अगर है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ध्यान से देखिएगा, आपका पहला क्या होगा, हर एक आपके कोई भी पेपर उठा लीजिए, प्रीवियस पेपर। तो मैं दो 2016 की पुराना पेपर दिखा रहा हूँ आपको। तो देखिए, रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली, आपको पैसेज को पढ़ना है, ये इंग्लिश का दिखा रहा हूँ, पैसेज को केयरफुली पढ़ना है। फिर यहाँ पर कुछ आपको क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन के आंसर आपको वहाँ से देना है। एक एक क्वेश्चन पे आपका 2-2 मार्क भी दिया हुआ है, इसलिए बच्चे ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से आंसर इसका दीजिएगा, आराम से मार्क वहाँ पे 10 मार्क आपका पैसेज रहेगा। इसके बाद देखिए, ये 2 नंबर ग्रामर स्टार्ट हो जा रहा है। यहाँ पे 2 नंबर क्या बोला है, डिजाइन एन एट्रैक्टिव पोस्टर फॉर प्रमोटिंग क्लियरनेस इन यूअर निगबोरहुड। निगबोरहुड का मतलब हो जाता है आपका आस पड़ोस। क्या लिखना है, एक क्या बोला है, फिर से मैं समझा रहा हूँ, डिजाइन एन एट्रैक्टिव पोस्टर, आपको एक पोस्टर तैयार करना है। हर एक साल में देखिएगा, आपका 2 नंबर में जो क्वेश्चन रहता है उस क्वेश्चन में आपको पोस्टर ही तैयार करने को एग्जामिनर बोलता है, तो आपको एक पोस्टर तैयार करना है। और क्या किस पे पोस्टर तैयार करना है, आपको क्या पोस्टर तैयार करना है, जे आपका आस पड़ोस में स्वच्छता बनाए रखना है। स्वच्छता का मतलब हिंदी में बोल रहा हूँ, मतलब साफ़ सुथरा, क्लीननेस मतलब साफ़ सुथरा, आप आस पड़ोस में आपका इन्वायरमेंट साफ़ सुथरा रहे, कूड़ा कचरा इधर उधर ना फेंके। तो ये आप किस तरह मेन, मतलब इसको आप पालन कर सकते हैं, लोगों को भी इसका शिक्षा दे सकते हैं, उसके ऊपर आपको एक पोस्टर तैयार करना है, ठीक है। 2रा नंबर क्या बोला है, यू आर अरुण दास या अरुणिमा दास, आप कोई भी, आपको मान लेना है, अगर लड़का है तो अरुण दास आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप एक अरुण दास है। अगर कोई लड़की देख रही है वीडियो को तो उसको अरुणिमा दास, वो अपने आप को एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, ए रेसिडेंट ऑफ 16 गोपीनाथ बोर्दले नगर तिनसुकिया, यू हैव ए लॉस्ट ब्लैक हैंड बैग कॉन्टेनिंग वैल्यूएबल द डॉक्यूमेंट्स विल द ट्रेवलिंग फ्रॉम द डिगबोई टू तिनसुकिया बाई ए बस। इतना दूर मैं समझा रहा हूँ, बोला क्या है, मान लीजिए एक अरुण दास नाम का कोई लड़का है, वो रहता कहाँ पे है, वो रहता है जो तिनसुकिया और बोर्दले नगर का एक निवासी है जो रहता है, वो मतलब ट्रेवलिंग कर रहा था, तिनसुकिया से बोर्दले जा रहा था, अपने मतलब कोई बस में जा रहा था, कहीं भी किसी से जा रहा है मान लीजिए, उसका एक बैग था, हैंड बैग था, ब्लैक कलर का था, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट उसके दस्तावेज थे, दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट, वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट मतलब इम्पोर्टेंट, कोई भी पेपर वगैरह डॉक्यूमेंट आदमी लेके ही चलता है, तो वो लेके गया था, ठीक है। ट्रेवलिंग के दौरान उसका ये बैग खो गया, मतलब गुम हो गया, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसके बाद एग्जामिनर क्या बोल रहा है, जे इसका ऊपर आपको एक ड्राफ्ट तैयार करना है, मतलब मान के चलिए ये भी एक नोटिस का तरह ही लिखना है, जिस तरह नोटिस आप लोग देखे होंगे फिल्म वगैरह में भी, ऐसे भी देखे होंगे, कोई लड़का अगर गायब हो जाता है, बख हो जाता है, तो उसका ऊपर कोई इंसान एक नोटिस लिखता है और हर एक जगह चिपका देता है, जे हाँ अगर ये चीज़ आपको मिलेगा तो इस एड्रेस पर आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा, ठीक है, आपको उसी तरह देना है। और आपका जो वो लिखा हुआ होना चाहिए, नोट द मोर देन 50 वर्ड्स, आपको 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है। वर्ड फॉर द पब्लिकेशन इन इंग्लिश डेली गिवेन द डिटेल ऑफ बैग मैंशनिंग वेन यू हैव ए लॉस्ट इन एड गिविंग योर द कॉन्टेक्ट एड्रेस रिक्वेस्टिंग द फाइन टू रिटर्न इट टू यू। मतलब यहाँ पे बोला गया है, अगर आपका बैग किसी को मिल जाता है तो आपको उस लेटर में, ड्राफ्ट में रिक्वेस्ट करना है कि अगर किसी को ये बैग मिला हो, ऐसी ऐसी एड्रेस है, ये कुछ होगा, ये डॉक्यूमेंट है, तो वो मुझे इस पते पर, आपको एक एड्रेस देना पड़ेगा ड्राफ्ट में, जिस एड्रेस पर आपको वो जो है क्या कर देगा, वो लौटाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये रिक्वेस्ट करना ही करना है आपको, रिटर्न के लिए रिक्वेस्ट करना करना है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं एक एक पॉइंट को, मैं समझा भी रहा हूँ। नीचे चलते हैं अब 3 नंबर में, देखिए 3 नंबर में क्या होता है,
आपका ग्रामर ही सबसे ज़्यादा है इंग्लिश में। अगर जो स्टूडेंट ग्रामर कर जाएगा वो तो पास, मतलब मान के चलिए 60-70 उठा ही लेगा। यहाँ पे क्या दिया है ज़रा ध्यान से सुनिएगा, यू आर एन विटनेस टू ए रोड एक्सीडेंट इन विच ए स्कूल गोइंग बॉय वाज किल्ड एंड मेनी पैसेंजर्स वेयर इंजुरियड अस ए प्रेस रिपोर्ट ऑफ एन इंग्लिश डेली राइट ए रिपोर्ट अबाउट द एक्सीडेंट इन 100-125 वर्ड्स यू आर नीतू एंड सौरभ। मतलब आपको, या लड़का है तो आपको, लड़का हो तो सौरभ नाम से आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और लड़की है तो नीतू नाम से आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए आप लड़की हो या लड़का हो, जो भी है, आपने क्या हुआ, आप जा रहे थे, अचानक आपने खुद देखा जे एक स्कूल बस, स्कूल जा रहा लड़का, वहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया है रोड का सामने, आपने देखे, आप एक विटनेस है, मतलब आप एक गवाह है जे आपने खुद देखा अपने आँखों से वहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया, लड़के की मृत्यु हो गई, बहुत सारे स्कूल लड़के की मृत्यु भी हो गई, कुछ लड़के थे मर गए, उसके बाद कुछ लोग घायल भी हो गए इंजुरियस है, तो आपको इसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करना है। रिपोर्ट मतलब एक न्यूज़पेपर का ऊपर, एक प्रेस में जिस तरह न्यूज़पेपर लोग अपना प्रेस में रिपोर्ट लिखता है, आप लोग तो न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं, जिस तरह हेडिंग रहता है अमुक जगह में बाढ़ आ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसे कोई भी हो सकता है, उसी तरह का रिपोर्ट आपको एक लिखना है, वो भी 100-125 वर्ड की होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया तीन नंबर, मैंने समझा दिया, आप समझ चुके हैं। नंबर उसका तीन नंबर का और में आते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो करना पड़ेगा आपको। ये देखिए क्या दिया है, ये तीन नंबर देखिए, यू आर अटेंडेंट द इडू फेयर 2015 ऑर्गेनाइज्ड बाय आसाम ट्रिबन प्राइवेट लिमिटेड इन गुवाहाटी। यहाँ पे क्या बोला गया है, ये वर्ड तो देखिए, जे एक आसाम ट्रिबन जो प्राइवेट लिमिटेड है वो क्या कर रहा है, एक मेले की तरह एक समारोह होता है ना, वो आयोजित किया हुआ है, एक समारोह कॉन्फ्रेंस जिसको बोला जाता है, उन लोगों ने कॉन्फ्रेंस रखा है विथ सम टॉप कॉलेजेस एंड द यूनिवर्सिटीज ऑफ द इंडियन पार्टिसिपेटेड इन द गेव इंफॉर्मेशन अबाउट देयर अंडर ग्रेजुएटेड एंड ग्रेजुएटेड। वहाँ पे बहुत सारे टॉपर्स जो कॉलेज है, उन कॉलेज के जो छात्र ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जो BA वगैरह, BCOM, BSc कुछ भी हो, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो भी अटेंड है, जो अनग्रेजुएटेड है वो भी अटेंड है उस प्रोग्राम में। राइट द डिटेल्स अकाउंट ऑफ द फेयर इन द 100-125 वर्ड्स यू आर द प्रवीण एंड फरवीन। अच्छा, जो भी है कुछ नाम दिया है, आपको क्या करना है, वो जो मेले में गए थे वो मेला की तरह मानिए, एक समारोह हो रहा था, एक शो हो रहा था, उसमें क्या हुआ है, जो आपको क्या देखे क्या नहीं देखे, उन लोगों ने क्या बोला नहीं बोला, इसके बारे में आपको कुछ 100-125 वर्ड्स लिखना है। ठीक है, तो मेरा हिसाब से बच्चे, अगर आप लोग इसका पहले वाला जो करते तीन नंबर वो बहुत अच्छा था, लिखने में भी मज़ा है। चार नंबर में देखिए, चार नंबर में क्या बोला है, मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, पहले आप ध्यान दीजिएगा चार नंबर में। ठीक है, चार नंबर में बोला क्या है, राइट ए लेटर टू एडिटर द आसाम ट्रिबन गुवाहाटी 78103 ड्यूरिंग द अटेंशन ऑफ द ऑथोराइज्ड कॉन्क्रेंट टू द इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई पार्टिकुलरली ड्यूरिंग स्टडी इन आवर्स इन योर द लोकेलिटी यू आर रीता। तो जो भी एक नाम, वो हर एक जगह में एक एक नाम मेंशन कर दे रहा है, यहाँ पे देखिए नाम, यहाँ पे बोला क्या है, आपको एक लेटर लिखना है, क्या लेटर लिखना है, असम ट्रिबन जो न्यूज़पेपर आती है, आपको देखने होंगे असम ट्रिबन नाम की एक न्यूज़पेपर आती है, वो गुवाहाटी से निकलती है, उसका जो एड्रेस भी दे दिया है, ये पिन नंबर है 78103। यहाँ पे आपको उस असम ट्रिबन पेपर में आपको एक न्यूज़ लिखना है, एक लेटर लिखना है, और लेटर में क्या लिखना है, सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, जो आपका जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो आपका हर एक स्टूडेंट का प्रॉब्लम हो रहा है पढ़ते समय, जब भी पढ़ाई की वक्त आ रही है, पढ़ाई का समय आ रहा है, आपको शाम के समय जब पढ़ाई हर स्टूडेंट पढ़ेंगे उसी समय आपका जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो कट हो जा रही है, मतलब चली जा रही है, तो ये प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं,
इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए, दूर करने के लिए आपको एक लेटर लिखना पड़ेगा, ठीक है? समझ गए अच्छी तरह आशा करता हूँ। नीचे क्या दिया है, जो भी है यहाँ पे एक नाम मेंशन किया गया है, इमरान और रंगमिली, जो भी है। यू हैव द सीन एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर इन ए लखीमपुर पब्लिक स्कूल लखीमपुर। राइट ए फॉर्मल लेटर टू द प्रेसिडेंट ऑफ द मैनेजिंग कमेटी ऑफ द स्कूल इन रेस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट अप्लाइंग फॉर ए पोस्ट, गिव योर डिटेल्स बायोडाटा। अब क्या बोला गया है यहाँ पे देखिए, मान के चलिए लखीमपुर नाम का कोई एक पब्लिक स्कूल है, उसमें जो मैनेजिंग कमेटी है, मतलब स्कूल का जो मैनेजिंग कमेटी, हर एक स्कूल का एक मैनेजिंग कमेटी होता है, ये आपको मालूम नहीं है तो मालूम हो जाना चाहिए, अभी समझ जाइए। जो हर एक स्कूल का एक मैनेजिंग कमेटी होता है, कमेटी बनाई जाती है देख रेख के लिए, तो उस स्कूल में एक पोस्ट खाली हो चुका है, कोई भी एक टीचर का पोस्ट खाली हो गया है, उसको उसके लिए एक विज्ञापन निकालना है, मतलब एक एडवर्टाइजमेंट करना है, जो हमारे स्कूल में अमुक नाम की, मान के चलिए हिंदी या इंग्लिश का एक टीचर का एक पद खाली है, एक पोस्ट खाली है, कोई भी अगर इस पर अप्लाई करना चाहता है, अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, तो आप अपना बायोडाटा हमारे स्कूल में सबमिशन कर सकते हैं, राइट? इसका ऊपर ही आपको इस तरह का एक नोटिस तैयार करना है, ये भी एक नोटिस ही होता है, ठीक है स्टूडेंट? तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे चेंज फ्रॉम द नरेशन, ये नरेशन है, जो भी है मैं अब इतना एक्सप्लेनेशन करूँगा नहीं, आपको जो एक्सप्लेनेशन करना था चार मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया, जो हर एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, एक तो समझने में प्रॉब्लम होता है, एक लिखने में, तो मैं ये दिखाते जा रहा हूँ। चेंज वॉइस है, सब कुछ आएंगे, नरेशन आएगा, करेक्ट टेंस आएगा, आप लोग कर जाइएगा, वीडियो को पुश करके या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए या आप इसको नोट कर लीजिए। अगर पीडीएफ भी चाहिए या सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन बना के दे दूँगा। ये खासकर जो पेपर दिखला रहा हूँ मैं, असम की क्लास 12 का जो 2016 में एग्ज़ाम हुआ था, वो इंग्लिश का पेपर है, इससे आपको मान के चलिए 50% अंदाज़ा लग जाएगा जो पेपर की कैटेगरी क्या होती है। मैं आस्ते आस्ते पेपर को उठा रहा हूँ, अगर ज़्यादा स्पीड में हो गया तो और धीरे धीरे करके उठा रहा हूँ। तो आप एक काम कीजिएगा, वीडियो को पूज करके उसको लिख लीजिएगा, पेपर के जितने भी क्वेश्चन हैं, और क्वेश्चन आप लोग पढ़ने की कोशिश ज़्यादा मत कीजिए, कमी कीजिए, क्योंकि ग्रामर ही सबसे ज़्यादा भरा हुआ है, ग्रामर से पैसेज आपका 20 मार्क का रहता है, 10 मार्क 10 मार्क दो जगह पैसेज रहेगा, तो इसलिए मैं कहता हूँ पैसेज भी कॉमन गिर जाता है अगर स्टूडेंट कोई अच्छी तरह पैसेज पढ़े। तो स्टूडेंट आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ जो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक कीजिएगा, जो भी फ़ायदा अगर हो रहा है, तो मेरा कहना है कि आपको अगर इसका नोट चाहिए, जितना भी मैंने चार एक्सप्लेनेशन किया, लेटर का, रिपोर्ट का, ड्राफ्ट का, मैनेजिंग कमेटी का, अगर इन चारों की आंसर अगर चाहिए तो आप मेरे कमेंट कीजिए, मैं इन चारों का आंसर मैं बना के दूंगा, और बिल्कुल वैसा ही बना के दूंगा जिस तरह का एग्ज़ाम में अटेंड करना है, और बिल्कुल मेरे दिखाए हुए रास्ते पे अटेंड कीजिएगा, आपको मार्क एकदम पूरा अचीव होगा ही, 5 मार्क है तो एग्जामिनर 5 मार्क ही देगा, एक भी मार्क कट नहीं होगा, ठीक है? तो मैं इस पेपर को आस्ते आस्ते उठा ही रहा हूँ, देखिए 14 नंबर आ गया यहाँ पे, ये 5 मार्क का, ये दोनों जो है 5 मार्क का है क्वेश्चन, आप लोग लिखिएगा यहाँ पे, देखिए ये सब भी लिख लीजिएगा। मैं अभी इतना एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी अगर लगे जो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से उसको एक्सप्लेनेशन करूँगा, समझा भी दूँगा। तो ये एंड हो गया मेरे, तो थैंक्स वॉचिंग के लिए। तो मैं बोलता हूँ जो मेरे चैनल को एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मैं आशा रखता हूँ आप लोग एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके, ठीक है?